फ्रेंड्स, वेलकम कल्पना किचन में आपका स्वागत है सभी को। जय जिनेन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले पिज्जा बेस बनाएंगे, उसके बाद पिज्जा बनाएंगे। हमारा पिज्जा बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए कितना बढ़िया चारों तरफ खरा खरा दिख रहा है। तो अब पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा बेस बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है 200 ग्राम। इसमें एक टीस्पून शुगर ली है, एक टीस्पून नमक लिया हुआ है, डेढ़ चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इन सबको खूब अच्छे से पहले मिला लेंगे। फिर इसमें दही डालेंगे। अगर आपके पास घर का दही है तो बहुत अच्छा है। यह मैं अब 3 चम्मच दही डालूंगी। ये देखिए ईस्ट का काम करता है दही से गूथने में। अपन को ईस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दही से ही बहुत अच्छा जाली पड़ती है पिज़्ज़ा में। ये देखिए बिल्कुल मुलायम गूथना पड़ता है, इसको हार्ड नहीं करते, जिसमें खूब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए इसका डो। अब मैं 1 टीस्पून तेल डालूंगी और तेल के साथ ही 2-3 बार इस टाइप से करूंगी ताकि ये पिज्जा बेस हल्का हो जाए। ये देखिए पिज्जा बेस का ये डो बनकर तैयार हो गया है। इसको रेस्ट करने के लिए नहीं रखना पड़ता है। अब इसमें अब एक मीडियम प्लेट में बटर लगाएंगे और बीचों बीच डो को रख देंगे। ये इस तरह से हाथों से करते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। अब इसे कांटे से पोक कर लेंगे ताकि फूले नहीं। ओवन को 5 मिनट पहले गर्म करने रख देते हैं। ये देखिए मैं ओवन गर्म पहले से कर लिया है। अब इस पिज्जा को ओवन में 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि बेस पूरा तैयार हो जाए। हमारा 15 मिनट में पिज्जा बेस बन गया है। अब इसको हम सजाएंगे, पिज्जा बनाएंगे। सबसे पहले इसमें बटर लगा देंगे। उसके बाद पिज्जा टॉपिंग लगाएंगे। ये पिज्जा टॉपिंग के बाद पिज्जा चीज लगाएंगे। ये देखिए इसके बाद इसको सजा देंगे बढ़िया। ये हरी शिमला मिर्च है, थोड़े से टमाटर डाल रहे हैं छोटे छोटे उसके पीस करके,
थोड़ी सी ककड़ी डाल रहे हैं, ये कटी हुई प्याज है इसको डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से बटर डाल देते हैं। अब इनके चारों तरफ किनारे किनारे ब्रश से बटर लगा देते ताकि ये अच्छे से सुनहरा सुनहरा सिक जाता है। अब इसको ओवन में बेक करने के लिए 15 मिनट के लिए मैं रख दी। हमारा पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा पिज्जा कितना बढ़िया बना है, कितनी ये जाली दिख रही है। बेस बनाया पहले मैंने, फिर उसको सजाया है, पिज्जा बना है। देखिए यहाँ पे भी किनार कितनी अच्छी खरी खरी दिख रही है। आप भी पिज्जा बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए, और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।